गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने बैठक कर करके कांग्रेस को ही बैठा दिया है। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस दिन निकलती है सिर्फ उसी दिन दिखती है, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं रहता। ये यात्रा सिर्फ चुनावी दिखावा है और कुछ नहीं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ बैठक ही करते हैं और कुछ नहीं, उन्होंने बैठक कर करके कांग्रेस को ही बैठा दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह कहीं दिखाई भी नहीं देती है। जमीनी स्तर पर उनकी कोई पकड़ नहीं है। कमलनाथ कभी फील्ड पर नजर नहीं आते, कभी कभार सिर्फ फोटो के लिए दिख जाते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि यात्रा सिर्फ उसी दिन दिखती है जिस दिन वो निकलती है, इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं रहता। ये सिर्फ चुनावी पर्यटन है और कुछ नहीं। ये कभी कोरोना के समय जनता के बीच नहीं गए, ना ही बाढ़ और ना ही आपदा में। यह सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल द्वारा फटकार लगाने पर कहा कि जेपी अग्रवाल विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। यदि उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय को फटकार लगाई है तो जरूर कोई बात होगी। कमलनाथ भले ही कार्यकर्ताओं की क्लास लें, लेकिन जेपी उनकी कल ही क्लास ले चुके हैं और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनकी क्लास लें। गृह मंत्री ने कांग्रेस के ट्वीट करने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में सिर्फ योजनाएं ही बनाई हैं। यदि वह काम करते तो बात बात पर उन्हें ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस को सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए लगा दिया है। ना ही कमलनाथ के पास काम है और ना ही कार्यकर्ताओं के पास। देखो, जेपी अग्रवाल जी वयोवृद्ध नेता है, अनुभवी नेता है। अब उन्होंने अगर दोनों को कह दिया है, दोनों वयोवृद्ध नेताओं के बारे में, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है, तो अब ये निर्णय तो वयोवृद्ध नेता खड़गे जी ही करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है जो आज कमलनाथ जी लेने वाले हैं, कल जेपी वयोवृद्ध जेपी अग्रवाल जी ने उनकी क्लास ले ली है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।